हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला लेक्चर है फॉर्मलिज्म सीरीज का और इसका टॉपिक है रोमन जैकबसन। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोमन जैकबसन का पूरा नाम था रोमन ओसिपोविच जैकबसन, जिनका टाइम था 1896 से 1982 तक। ये एक रशियन और अमेरिकन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी थ्योरिस्ट थे। रोमन जैकबसन का लिंग्विस्टिक एरिया में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। आज हम बात करने वाले हैं लिटरेरी थ्योरी जो फील्ड है उसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इनके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उनकी बात करेंगे। 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिंग्विस्टिक रहे हैं, जो पायनियर थे स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स के। इन्होंने पोएट्री, म्यूजिक और विजुअल आर्ट्स और सिनेमा को इन्वेस्टिगेट करने के कई मेथड्स को प्रपोज किया, यानी कि बताया। इनसे पहले एक महान स्कॉलर थे जिनका नाम है फर्डिनेंड डी सॉसर, जो स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट में थे। उनसे ये काफ़ी इंस्पायर थे। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स एनालाइज करती है कि किस तरह से यूनिट्स काम करती हैं, जैसे कि वर्ड्स, स्ट्रक्चर, सेंटेंस, सिंटैक्स, फोनेटिक्स, ये सारी चीज़ें किस तरह रिलेट हैं एक दूसरे से, किस तरह से ये सारी चीज़ें मिल करके एक मीनिंगफुल स्टफ बनाती हैं। देखा जाए तो रोमन जैकबसन फिलोलॉजी में भी इंटरेस्टेड थे। फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। ये कुछ बातें इनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं, इनके मेजर कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंटैग्मैटिक और पैराडिग्मैटिक की। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाली है थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये थोड़े डीप हैं और इन्हें हमें डीप में ही डिस्कस करना होगा, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप पूरी अटेंशन और ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंटैग्मैटिक की। तो सिंटैग्मैटिक के बारे में हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप आर अबाउट पोजिशनिंग, कि सिंटैग्मैटिक जो है वो ऑल अबाउट पोजिशन के बारे में है। चलिए देखते हैं कैसे। आई होप आपको साइन सिस्टम के बारे में पता होगा कि साइन क्या होता है, सिग्निफायर क्या होता है और सिग्निफाइड क्या होता है। अगर नहीं पता तो इसके बारे में भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वीडियो ये या फिर ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये समझ आएंगे। तो जो वर्ड्स होते हैं ये एक तरह के साइन होते हैं, तो जब साइन एक क्रोनोलॉजी में रखे जाते हैं तभी एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम वर्ड्स को सीक्वेंस में रखते हैं तभी एक मीनिंगफुल मीनिंग निकल के आती है सेंटेंस से, या फिर तभी एक सेंटेंस बनता है, या फिर कह सकते हैं कि जब वर्ड्स को एक सीक्वेंस में रखा जाता है तभी वो मीनिंग क्रिएट करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड होते हैं वो सिंटैग्म होते हैं, जो आपस में मिलकर के एक सिंटैग्मैटिक रिलेशनशिप बनाते हैं और ये रिलेशनशिप मीनिंग क्रिएट करती है। अगर हम इस सिंटैग्म का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है? फॉर एग्जांपल, अगर हम ये एग्जांपल लें कि जॉन एट चिकन, तो इसका मतलब बनता है कि जॉन ने जो है वो चिकन खाया। अब हम इसके जो वर्ड्स हैं उनके सीक्वेंस को अगर चेंज कर दें तो ये हो जाएगा चिकन एट जॉन, कि चिकन ने जॉन को खाया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि पॉल इज़ बाथिंग ए डॉग, कि पॉल जो है एक डॉग को नहला रहा है। अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, इसकी जो सिंटैग्म रिलेशनशिप है उसको चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए डॉग इज़ बाथिंग ए पॉल, कि एक जो डॉग है वो पॉल को नहला रहा है। तो किस तरह से मीनिंग चेंज होती है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस हैं वो दोनों एग्जैक्ट सेम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जिनको कहते हैं सिंटैग्म्स। लेकिन जैसे ही हम इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं इनकी मीनिंग बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि हम इनकी सिंटैग्मैटिक जो रिलेशनशिप है वो चेंज कर देते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिंटैग्मैटिक जो रिलेशनशिप है उसे हम देख सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर होती है। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में पता होगा। हम कह सकते हैं कि सिंटैग्म्स जो होते हैं वो ग्रुप में आकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स जब ग्रुप में आते हैं तो फ्रेज बनाते हैं, और फ्रेज जब ग्रुप में आते हैं तो सेंटेंसेस बनाते हैं, और जब हम इन ग्रुप्स को देखते हैं तो हम इन्हें
चेन कह सकते हैं। आई होप आपको ये पता चल चुका होगा कि सिंटैग्मैटिक आखिर किसको कहते हैं और ये क्या है। अब बात करते हैं कि पैराडिग्मैटिक क्या होता है या फिर पैराडिग्मैटिक रिलेशन क्या होता है। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि पैराडिग्मैटिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व साइंस दैट कैन रिप्लेस ईच अदर यूजुअली चेंजिंग द मीनिंग विद द सब्स्टिट्यूशंस। मतलब एक पैराडिग्मैटिक रिलेशनशिप में साइन जब एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं तब सेंटेंस की मीनिंग बदलती है, या फिर कोई वर्ड है हम उसका सेनोनियम्स या उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ कर लाते हैं उस सेंटेंस के लिए, तब उसकी मीनिंग चेंज होती है। इसको और डिटेल में समझते हैं। और पैराडिग्मेटिक जो रिलेशनशिप है वो वर्ड्स के बीच वर्टिकल एक्सिस पर काम करती है। मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये ऊपर से नीचे की तरफ काम करती है। इस रिलेशनशिप में डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्ड और सेलेक्शन ऑफ द वर्ड ये इन्वॉल्व होता है। चलिए इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द मैन क्राइड। ये हमारे पास में थ्री वर्ड्स हैं। ये तीन वर्ड्स जो हैं वो मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह जो वर्ड्स हैं वो काम करते हैं, जो एक सेंटेंस में एक मीनिंग बनाते हैं। और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि एक वर्ड्स के जैसा ही वर्ड्स हम ढूंढ के लाते हैं और जो हमारा सेंटेंस है उसमें जिस वर्ड्स के लिए हमने दूसरा वर्ड ढूंढा है उसको ढूंढे हुए वर्ड्स से एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चुने हुए वैसे ही सब्स्टिट्यूट वर्ड से उसी सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। देखते हैं कैसे। तो हमारे पास में सेंटेंस था द मैन क्राइड या क्राई, और हम लेते हैं द मैन सिंग या सैंग, या फिर हम ये कह सकते हैं द मैन डाइड या फिर द बॉय क्राइड। तो हमने क्या किया, पहले सेंटेंस में हमने क्राइड की जगह संग कर दिया या सिंग कर दिया, तो जो वर्ड है सिंग उसने क्राइड को एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पर उसकी मीनिंग चेंज हो गई। इसके बाद में हमने दूसरा एग्जांपल लिया, वहाँ पर हमने सैंग की जगह डाइड कर दिया तो उसकी भी मीनिंग चेंज हो गई। और इसके बाद में जो तीसरा एग्जांपल लिया उसमें हमने मैन की जगह बॉय कर दिया और क्राइड को ऐसा ही रहने दिया, तब भी मीनिंग चेंज हो गई। इसका मतलब है अगर हम सेंटेंस में किसी भी वर्ड को चेंज करना चाहते हैं, उसके जैसा वर्ड हम ढूंढ के लाते हैं और उसे उस सेंटेंस के उस वर्ड से रिप्लेस करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाती है। चलिए इसको और आसान करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं द कव जंप्ड ओवर द मून। हम यहाँ पे देखते हैं इसमें सिंटैग्मैटिक रिलेशनशिप है, सभी चीज़ें ऑर्डर में हैं और एक मीनिंग क्रिएट कर रही हैं, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कव को चेंज कर सकते हैं। कव जो वर्ड है उसके जैसा हम एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ कर लाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें द फिश जंप्ड ओवर द मून, या फिर हम लिख सकते हैं द हॉर्स जंप्ड ओवर द मून, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं द कैट जंप्ड ओवर द मून, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि द कव जंप्ड ओवर द सन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम किसी एक को चुनते हैं और जिस सेंटेंस की हमें मीनिंग चेंज करनी है उस सेंटेंस के उस वर्ड को बहुत सारे जो हमारे पास में पहले से ही रखे हुए सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं उससे एक्सचेंज करते हैं, तो उससे क्या होगा, नया सेंटेंस बन जाता है नई मीनिंग के साथ में। ये भी कह सकते हैं कि जो पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब करती है सब्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स विद द सेम वर्ड क्लास। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर वीडियो लंबी होनी है तो क्यों ना हम इस पर अच्छे से बात कर ले। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, द ब्यूटीफुल वोमेन बाय सम एप्पल्स। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस के लिए बोल सकते हैं कि जो ब्यूटीफुल वुमेन है वो एप्पल की जगह ब्रेड भी चूज कर सकती है खरीदना, या फिर चिकन भी खरीद सकती है। तो ये जो एप्पल है, ब्रेड है या चिकन है, ये पार्ट्स ऑफ द पैराडाइम है फूड के, जिन्हें ये ब्यूटीफुल वुमेन जो है चूज कर सकती है खरीदने के लिए। ये तीनों वर्ड जो है वो एक क्वालिटी को शेयर करते हैं, कॉमन क्वालिटी को शेयर करते हैं, वो है फूड की, वो फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं वो वर्टिकली सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। अगर हम कोई नया सेंटेंस नई मीनिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। आई होप आपको
कुछ कुछ या बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। इसके बाद में रोमन जेकोबसन का दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है मेटाफर एंड मेटानमी। अगर आपको सिंटैग्मैटिक और पैराडिग्मैटिक समझ आ चुका है तो ये भी आसान होगा समझना, क्योंकि ये इसी से ही रिलेटेड है, वैसा ही है जैसा हमने अभी बात की थी। तो रोमन जेकोबसन ने एक थ्योरी को डेवलप किया था, उसमें बताया कि किस तरह से लैंग्वेज का यूज किया जाता है। वो कहता है कि दो तरह के मेजर रेटोरिकल फिगर होते हैं लैंग्वेज में, वो होते हैं मेटाफर एंड मेटानमी। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। कभी कभी जब हम बाहर जाते हैं और सड़क पर देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी जो ट्रैफिक है वो बहुत धीमे धीमे चल रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं, अगर हमें किसी को कहना हो तो ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक क्राउल्स अलोंग, यानी कि जो ट्रैफिक है वो रेंग रहा है। असल में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सिचुएशन को देखा और सिचुएशन के हिसाब से जो वर्ड हमें सही लगा हमने उसे बताने के लिए इन वर्ड्स को यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है जो ये वर्ड है क्राउल, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये जो वर्ड है वो स्लो मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई क्रिएचर जैसे कोई वॉर्म्स हो या स्नेक्स हो या फिर कोई इंसेक्ट हो, वो रुकता है चलता है, रुकता है चलता है, ऐसा लगता है वो रुकता है और चारों तरफ देखता है, इंस्पेक्शन करता है और आगे चलता है, वैसे ही हम देख सकते हैं जो ट्रैफिक है वो रुकती हैं, इधर उधर देखती हैं और आगे चलती हैं। तो हमने वर्ड यूज़ किया उसके लिए क्राउल्स, कि वो रेंग रही हैं। हम यहाँ पर सिमिलैरिटी देख सकते हैं दोनों चीज़ों में, उन सेक्ट में भी जो रुक कर चलते हैं और इन रोड्स के जो ट्रैफिक हैं उनमें भी। हम इसके लिए दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते थे, जैसे कि बस्टल्स, रेसिस और गोज, लेकिन हमने क्राउल्स यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी वर्टिकल लिस्ट है हमारे पास में, लेकिन हमें चुनना है जो भी उस सीन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करे, हमें वो वर्ड यूज़ करना है। क्योंकि हम देख सकते हैं जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट जो है यहाँ पर वैसी है जैसे किसी इंसेक्ट का चलने का तरीका। तो ये जो क्राउल्स है, ये जो वर्ड यूज़ किया हमने, ये मेटाफोरिकली यूज़ किया इस ट्रैफिक को डिस्क्राइब करने के लिए, हमने मेटाफर का यूज़ किया। इसमें क्या होता है, इसमें हमने जो मेटाफर का यूज़ किया उससे जिसको हम बताना चाह रहे हैं इस मेटाफर के थ्रू हम अच्छे से उस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर पाएंगे। हम कह सकते हैं कि मेटाफर इज एन एक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन थ्रू सिलेक्शन एंड एसोसिएशन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कार्स को इंसेक्ट से बदल दिया, चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो जेकोबसन का मेटाफर क्या होता है, आई होप आपको इन एग्जाम्पल से एक आइडिया हो चुका होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं मेटोनोमी की। तो मेटोनोमी लैंग्वेज का एक दूसरा पार्ट है। सो मेटोनोमी इज व्हेन ए पार्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द होल, मतलब जब हम एक पार्ट को होल के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली हम कहते हैं कि द ऑर्डर्स वर इश्यूड बाई राष्ट्रपति भवन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कहा कि जो ऑर्डर हैं ये राष्ट्रपति भवन से इश्यू हुए हैं। तो कभी हमने देखा है कि जो बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन है वो कभी ऑर्डर इश्यू करती हो, कभी नहीं। उसके अंदर जो राष्ट्रपति रहता है वो ऑर्डर इश्यू करता है। तो हमने क्या किया, हमने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति भवन को यूज़ किया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो बिल्डिंग है उसको राष्ट्रपति की जगह यूज़ किया, मतलब जो वर्ड जो होता है वो ज़्यादा करीब होता है उस वर्ड के जिस वर्ड को हम चेंज करना चाहते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये मेटानमी कहलाती है या कहलाता है। ये इतना मुश्किल नहीं है, आई होप ये भी आपको समझ आ ही चुका होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अफेसिया के बारे में, कि अफेसिया क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक रोमन जेकोबसन मेड द डिस्कवरी दैट अफेसिया विच डिस्क्राइब ए वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स विद वर्बल एक्सप्रेशन, मतलब अफेसिया जो है वो डिस्क्राइब करता है एक वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में जो वर्बल एक्सप्रेशन के साथ में होती है। मतलब जब कोई इंसान वर्बली अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने इमोशंस और अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने में उसे परेशानी होती है या फिर बोलने में परेशानी होती है। ये क्यों होता है, कभी कभी ये ब्रेन डैमेज की वजह से होता है या फिर कुछ परेशानी आ जाती है ब्रेन में, तब ये चीज़ें होती हैं। ये कह सकते हैं एक मेंटली डिसऑर्डर है। और
इस कंडीशन में दो पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं जो पैराडिग्मेटिक होती है और सिंटैग्मेटिक होती है, जैसा कि हमने पहले बात की थी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैकोब्सन ने दो तरह के अफेसिया को क्लासिफाई किया है और वो बेस हैं बाइपोलर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज पर, जिसे हम द सिमिलैरिटी डिसऑर्डर और कंटिग्यूटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। तो इन पर भी बात कर लेते हैं, ये क्या चीज़ होती हैं। तो सिमिलैरिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट अपनी वर्ड्स को जो सब्स्टिट्यूट करने की कैपेसिटी होती है उसको खो देता है, क्योंकि उसके पास में जो वर्टिकल एक्सिस पे जो वर्ड्स होते हैं, सेम वर्ड्स होते हैं, उनकी सिमिलैरिटी में वो कन्फ्यूज हो जाता है, उसमें वो फ़र्क नहीं कर पाता कि कौन सा वर्ड्स जो है वो किस जगह पर यूज़ करना है, किस सिचुएशन में यूज़ करना है, और ना ही इन वर्ड्स के बीच में वो डिफरेंस देख पाता है। जब हम सही सिचुएशन पर सही वर्ड यूज़ करते हैं सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो ग्रामेटिकली सही सेंटेंस होता है। तो इस डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है वो सही सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए सही वर्ड का यूज़ नहीं करता, उसके लिए जो है वो कंबाइंड सीक्वेंस ही मीनिंगफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो यूज़ कर रहा है गो, तो वो रेस भी यूज़ कर सकता है या फिर कुछ ऐसा ही दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ अफेसिया की, जो हमने बात की थी वो है कंटिग्यूटी अफेसिया। इस तरह के डिसऑर्डर में क्या होता है, एक पर्सन के पास में एक अच्छी वोकैबुलरी हो सकती है, इस पेशेंट्स के पास में वर्टिकल एक्सेस पे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ में ये प्रॉब्लम है कि ये इन वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाता, मतलब जो कैपेसिटी होती है सही तरह से वर्ड्स को कंबाइन करने की, जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसको कहते हैं कंटिग्यूटी डिसऑर्डर। मतलब ये चीज़ें हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर होती हैं। इसे इजी वे में समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब कोई पेशेंट सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप जो है वो सही तरीके से नहीं बना पाता, तब वो कंटिग्यूटी डिसऑर्डर कहलाता है। हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि जो मेटाफर होता है वो सिमिलैरिटी डिसऑर्डर में आता है, और जो मेटोनिमी होती है वो कंटिग्यूटी डिसऑर्डर होता है। और अगर हम लैंग्वेज में ये दो चीज़ें यानी कि मेटाफर एंड मेटोनिमी समझ पाते हैं, तो हम सारा ह्यूमन डिस्कोर्स और ह्यूमन बिहेवियर समझ सकते हैं। तो ये बात की थी हमने जैकोब्सन के कॉन्सेप्ट्स की, और अब बात करते हैं हम इनकी थ्योरी की। अब ये थ्योरी कौन सी है, तो ये है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज या फिर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस अर्थ पर जितने भी क्रिएचर हैं उन्होंने अपनी थॉट्स, अपनी डिज़ायर और अपनी ज़रूरत को एक्सप्रेस करने के लिए यानी कि कम्युनिकेशन के लिए अपना एक खुद का तरीका खोज लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान के पास में कोई पैट होता है, कोई डॉग होता है या फिर कोई कैट होती है, तो जब इन पैट्स को कुछ चाहिए होता है, बाहर जाना होता है या फिर इन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो पैट ओनर को पता चल जाता है कि इन्हें क्या चाहिए। तो ये तो बात की हमने एक साइन लैंग्वेज की, एक ये भी लैंग्वेज होती है, लेकिन अगर हम बात करें इंसानों की, तो इंसानों ने अपनी एक ऐसी फॉर्मल लैंग्वेज को डेवलप कर लिया है जो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ हमें जानवरों से अलग बनाती है, क्योंकि जो लैंग्वेज का यूज़ हम कर सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से, दूसरा क्रिएचर इस अर्थ पर नहीं कर सकता। इससे हम अपने आइडियाज़, अपनी डिज़ायर, अपने इमोशंस, अपना हर एक चीज़ शेयर कर सकते हैं, दूसरों की सुन सकते हैं और दूसरों को सुना भी सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो 7000 डिफरेंट लैंग्वेज हैं इस दुनिया में जो बोली जाती हैं, समझी जाती हैं और सुनी जाती हैं सक्सेसफुल्ली, और ये सारी की सारी लैंग्वेज एक दूसरी लैंग्वेज से अलग होती हैं। इन सभी लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, इनके वर्ड्स अलग होते हैं, प्रोनंसिएशन अलग होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन इन सभी डिफरेंसेस के बाद में इन सभी लैंग्वेज का एक ही पर्पस होता है, वो होता है कम्युनिकेशन। तो अब हम इस टॉपिक में यही डिस्कस करने वाले हैं कि रोमन जैकोब्सन ने फंक्शन बताया है लैंग्वेज का और कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो हर एक लैंग्वेज को चाहिए होता है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कम से कम एक पर्सन चाहिए इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और एक पर्सन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए, तब जाके एक कम्युनिकेशन जो होती है वो सक्सेसफुल होती है। जैकोब्सन डिस्क्राइब करता है कि देयर आर 6 फंक्शन ऑफ लैंग्वेज,
that are needed for communication to make communication successful. Now take a look on what are the 6 factors of communications. तो सबसे पहला फैक्टर होता है एड्रेसर. ये वो इंसान होता है जो कोई इन्फॉर्मेशन को ऑडियंस को शेयर करता है, डिलीवर करता है. जैसे कि यहाँ पर मैं हूँ, मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ. सेकंड आता है एड्रेसी. ये वो चीज़ होती है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है या फिर उस मैसेज को रिसीव करती है जो एड्रेसर ने दिया है. यानी कि अगर मैं एड्रेसर हूँ तो आप लोग एड्रेसी हैं क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं. एड्रेसी की अगर हम बात करें तो कम से कम एक तो होना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा कितने हों फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है. थर्ड आता है कॉन्टेक्स्ट. इसका मतलब है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है. मतलब जो हम इन्फॉर्मेशन या मैसेज को शेयर कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, हम क्यों शेयर कर रहे हैं, क्या मैसेज है. फोर्थ आता है कॉन्टैक्ट. ये कनेक्शन होता है एड्रेसी और एड्रेसर के बीच में. ये जो कनेक्शन है वो लाइंस को, कम्युनिकेशन की लाइंस को ओपन रखता है जिससे कि कम्युनिकेशन सही तरीके से हो सके. मतलब अगर आप लोग मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरा मैसेज रिसीव कर रहे हैं तो इसका माध्यम क्या है, यानी कि इसका चैनल क्या है. आप ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट और मोबाइल के थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो ये इसका चैनल है. मैं भी यहाँ से इंटरनेट का यूज़ कर रहा हूँ और आप भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए चैनल हो गया. फिफ्थ आता है कॉमन कोड. मतलब कम्युनिकेशन के लिए एक ऐसे कोड की ज़रूरत होती है जो दोनों पे आए, यानी कि भेजने वाले पर और रिसीव करने वाले पर भी यही सेम कोड आना चाहिए. इसका मतलब ये है कि मैं जो कोड यूज़ कर रहा हूँ वो हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ये कोड हो सकता है. और तो इस कोड में मैं अपने जो मैसेज है या फिर मेरी इन्फॉर्मेशन है इसको इनकोड करता हूँ और ये चैनल के माध्यम तक आप तक पहुँचता है और आप पर भी वो कोड आता है. इसीलिए आप इस कोड को डिकोड करके वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, पोजेस करते हैं. अगर आपको ये लैंग्वेज ना आती, अगर आपको हिंदी ना आती, तो आप मेरा जो मैसेज है इसको डिकोड नहीं कर पाते, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती. नेक्स्ट आता है मैसेज. मतलब एड्रेसर के द्वारा क्या भेजा गया है, उसने क्या आइडिया भेजा है, क्या एक्सप्लेनेशन भेजी है, क्या भेजी है उसने. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट और इस चीज़ में फ़र्क है. कॉन्टेक्स्ट था कि क्यों भेजा गया है, किसके रिगार्डिंग भेजा गया है, और मैसेज है कि क्या भेजा गया है. तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो ये फैक्टर हैं ये सारे मिला करके ज़रूरी हैं एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करने के लिए. ये कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं जिन्हें हमें कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए करने ही करने होते हैं. इसके बाद में रोमन जेकोबसन बात करता है फंक्शन की, कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं लैंग्वेज में. तो बेसिकली वो 6 टाइप ऑफ फंक्शन की बात करता है, यानी कि 6 टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्क्राइब करता है लैंग्वेज में. अगर हम देखें कि एक लैंग्वेज क्या होती है, अगर किसी इंसान पे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, यानी कि किसी एक लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स को वो जानता है, उसके पास में एक वोकैबुलरी है, तो इन वोकैबुलरी को जानना ही एक लैंग्वेज नहीं होती. और जब तक हम पर इन सारे वर्ड्स को आपस में सही ऑर्डर में रखना नहीं आता, जब तक हम एक सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, और वो सेंटेंस जब तक सही से नहीं बनेगा जब तक वर्ड्स ऑर्डर में ना हो और ना ही इसकी मीनिंग बनेगी. किसी भी लैंग्वेज में हमें वर्ड्स को सही ऑर्डर में रखना होता है, तभी जाके एक लैंग्वेज बनती है और तभी कह सकते हैं हम कि हम पे वो लैंग्वेज आती है. और इसीलिए उसने 6 टाइप्स ऑफ फंक्शन बताए हैं. बात करते हैं उन पे वो क्या क्या हैं. सबसे पहला फंक्शन आता है लैंग्वेज का, रेफरेंशियल. वैसे तो लैंग्वेज के कई फंक्शन होते हैं, लेकिन सबसे जो मेन फंक्शन होता है लैंग्वेज का वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है अपनी ऑडियंस के साथ में. जब लैंग्वेज को किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है जो ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑडियंस के काम की होती है. जैसे कि कहीं पर कुछ एडवर्टाइज लिखा हुआ होता है, जैसे कि सेल्स आर 3% ऑफ, या फिर डिस्काउंट्स, या फिर कुछ ऐसे ही कुछ बेचने के लिए, कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा हुआ होता है, तो ये होता है रेफरेंशियल. अकॉर्डिंग टू द होम्स, रेफरेंशियल फंक्शन इज़ ए फंक्शन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज़ डन
थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीच सच एज डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स। इस फंक्शन का एम सिर्फ ये रहता है कि इंफॉर्मेशन सेंड हो जाए और जो आइडिया है स्पीकर का वो ऑडियंस तक पहुंच जाए या रिसीवर है उस तक ये आइडिया पहुंच जाए। सेकंड फंक्शन आता है इमोटिव, इसको एक्सप्रेसिव भी कहा जाता है। लैंग्वेज का ये फंक्शन हमारी हेल्प करता है हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग होती है या फिर हमारी डिज़ायर है उसे एक्सप्रेस करने में, या फिर जो कुछ हमने आइडिया रिसीव किया है उसको इंटरप्रेट करने में। मतलब जो इमोटिव फंक्शन है वो हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि सेंडर ने किस टोन में अपना मैसेज भेजा है, उसके पीछे उसकी जो इमोशंस हैं वो क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास में कोई चीज़ ऐसी आती है या फिर हम भेजते हैं जैसे कि आई एम एक्साइटेड अबाउट द न्यू कार आई बोट, तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में फीलिंग है, एक्साइटमेंट है, जिससे कि सेंडर की इमोशंस का भी पता चल रहा है और उसकी टोन का भी हम पता लगा सकते हैं। मतलब लैंग्वेज के इस फंक्शन से हम स्पीकर के एटीट्यूड का पता लगा पाते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ ए ग्रेट प्रिविलेज टू बी विद ऑल ऑफ यू टूडे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस सेंटेंस के थ्रू कि जिसने भी ये सेंटेंस बोला है वो कहना चाहता है कि तुम्हारे बीच में रहना सम्मान की बात है। इसके बाद में लैंग्वेज का थर्ड फंक्शन आता है कोनेटिव। ये फंक्शन मैसेज के रिसीव करने वाले पर फोकस करता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि कोनेटिव और इंटरप्रेटिव फंक्शन इज एन ओरिएंटेशन टूवर्ड द एड्रेसी। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई कहता है कि एवरीवन शुड बी अफोर्डेड द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव द एजुकेशन दे वांट, बट मोर इम्पोर्टेंटली द एजुकेशन दे हैव द राइट टू रिसीव। मतलब यहाँ पर जिस किसी ने भी ये स्टेटमेंट कहा है वो चाहता है ऑडियंस को इंस्पायर करना अपनी स्टेटमेंट के थ्रू कि एजुकेशन जो है वो सभी के लिए अलाउ है बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो ऑडियंस को रियलाइज़ कराना चाहता है कि वे एजुकेशन पा सकते हैं जो वो चाहते हैं। मतलब स्पीकर के इस स्टेटमेंट के थ्रू ऑडियंस पर जो कुछ भी रिएक्शन होता है, जो कुछ रियलाइजेशन होता है, ये उस पर फोकस करता है ये फंक्शन। मतलब इन्फॉर्मेशन के रिसीव करने वाले को फोकस करता है। फोर्थ फंक्शन आता है फैटिक। फैटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कह सकते हैं कि फैटिक इन्फॉर्मेशन इज़ यूज टू इस्टेब्लिश ए सोशल कनेक्शन विदाउट रियली कम्युनिकेटिंग एनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। मतलब लैंग्वेज के इस फंक्शन से सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो आपस में इसके थ्रू सोशल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और इन वर्ड्स का जो है वो कुछ मीनिंग भी नहीं होता। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए या फिर उस कन्वर्सेशन को स्टॉप करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू, आई एम फाइन, सी यू लेटर, बाय, गुड बाय। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज का अपने आप में कुछ ज़्यादा मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये जो लैंग्वेज है वो काम में ली जाती है जब हम किसी से बात करते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं या फिर हमें कन्वर्सेशन को ख़त्म करना होता है। फिफ्थ फंक्शन आता है लैंग्वेज का, वो है पोएटिक। ये एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज भी माना जाता है। ये फंक्शन फोकस करता है मैसेज पर और उसके साथ साथ में किस तरह से वो मैसेज आया है या कम्युनिकेट किया गया है उस मैसेज को। मतलब इस मैसेज को या इस इंफॉर्मेशन को जब दिया गया है तो इसको रेटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच या फिर हम कह सकते हैं फ्लावरी लैंग्वेज में बांध करके दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ए फार far better thing that I do than I have ever done. It is a far, far better rest that I go to than I have ever known. Easy way में हम कह सकते हैं जो लैंग्वेज का पोएटिक फंक्शन होता है उसमें जो लैंग्वेज होती है वो पोएटिक होती है, और आप सब जानते हैं कि पोएटिक लैंग्वेज कैसी होती है। उसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, यानी कि लैंग्वेज को डेकोरेटिव बना देते हैं, सजा करके बोलते हैं, घुमा फिरा कर बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन को यूं ही सीधे सीधे नहीं दे दिया जाता। सिक्स और लास्ट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आता है मेटालिंगुअल। मेटा मीन्स होता है बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस,
सो मेटालिंगुअल मीन्स हुआ टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज इट्सेल्फ, यानी कि लैंग्वेज के बारे में बात करना होता है मेटालिंगुअल। मतलब जब कोई लैंग्वेज के बारे में बात करता है तो उसे कहते हैं मेटालिंगुअल। इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड्स की डेफिनेशन की जाती है और जो एम्बिग्यूटी है लैंग्वेज में उसे क्लियरिफाई किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कोटेशंस को, वर्ड्स को। ये जो मेटालिंगुअल फंक्शन है लैंग्वेज का, ये ट्रांसलेशन में काम आता है। तो ये फंक्शन इसी बारे में है। आई होप आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अभी हमने 6 फंक्शंस की बात की यहाँ पर। अगर आपको इनकी थ्योरीज याद नहीं रहती है तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये 6 जो फंक्शन हैं वो कौन कौन से हैं और ये किसके हैं। सो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पर चलते हैं, इनके जो मेजर वर्क्स हैं रोमन जेकोबसन के, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है लैंग्वेज इन लिटरेचर, उसके बाद में ऑन लैंग्वेज, इसके बाद में 6 लेक्चर्स ऑन साउंड एंड मीनिंग, इसके बाद में वर्बल आर्ट, वर्बल साइन, वर्बल टाइम। नेक्स्ट आता है चाइल्ड लैंग्वेज, अफेशिया एंड फोनोलॉजिकल यूनिवर्सल्स, इसके बाद में पोएट्री ऑफ ग्रामर एंड ग्रामर ऑफ पोएट्री। सो फ्रेंड्स, यहाँ इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी रोमन जेकोबसन के टर्म्स हैं, उनके वर्क्स हैं या थ्योरी हैं, उनको मेंशन कर पाऊँ। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आगे फ्यूचर में कभी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एक बात और, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है और अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो कहना पड़ेगा कि आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं। अगर कहीं आप बीच में से ही भाग गए हैं तो आप ज़रूर वापस आएंगे एक ना एक दिन। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।